Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the short answer type questions related to the chapter Going Places. हम लोगों ने दो questions देखे थे, जिसमें से एक पूछा था कि दोनों लड़कियों के लिए क्या तय किया गया था स्कूल से निकलने के बाद, कौन सा काम तय किया गया था, और एक क्वेश्चन पूछा था कि सोफ़ी के पास अपने फैंटेसी को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस थे ड्रीम में उसके, वो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को आना है। थर्ड क्वेश्चन है उस जगह से जब सोफ़ी जॉफ को, अपने बड़े भाई जॉफ को उसके रूम में जा कर के बताती है, डैनी कैसे से मिलने वाला बात, झूठी बात बताती है, सॉफ जॉफ का अटेंशन और उसका भरोसा जीतने के लिए कि हम सिर्फ सीक्रेट अपना तुमसे शेयर करते हैं, तो वो उसको बताती है। उस बीच उसके फादर भी आ जाते हैं उस रूम में। फादर आते हैं, है ना, टीवी स्विच ऑन करते हैं। फिर डेरेक के जूते के बारे में बताया गया था कि जूता पड़ा हुआ था चेयर पे, उसको उठा के सोफ़ा पे फेंक देते हैं। फिर एक नॉइज़ निकालते हुए कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बैठ के जब वो टेलीविज़न देख रहे होते हैं, तब जॉफ जो है वो उनको सोफ़ी द्वारा बताई गई बात बोल देता है सामने ही। सोफ़ी भी वहीं बैठी है, जॉब भी वहीं है, और फादर भी वहीं हैं। फादर टीवी देख रहे हैं। सोफ़ी एक्सपेक्ट नहीं की थी, सोफ़ी वॉज ऑन द टेबल, लिखा हुआ है बुक में कि वो टेबल पे बैठी हुई थी। सोफ़ी के लिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सोफ़ी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉफ जो है वो सीधे उसके इस डैनी कैसे वाले झूठे मुलाकात के बारे में सीधे डैड को बता देगा। सोफ़ी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब जॉफ ने बता दिया डैड को, सडनली अनएक्सपेक्टेड था सोफ़ी के लिए, तो सोफ़ी जिस जगह पे बैठी थी वो वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा कांप जाती है। उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था टेक्स्ट बुक में, रिगल, ये वर्ड टेक्स्ट बुक में था, और इसका मतलब हम बताए थे कि सरप्राइजिंग चीज़ होने की वजह से या डरने के, किसी चीज़ का डर होने के वजह से जो शरीर में कपकपाहट होती है, शरीर का जो कांपना होता है, जिसको हम लोग एक दूसरा वर्ड शिवरिंग वर्ड भी जानते हैं। शेकिंग वर्ड सबसे आसान है, बॉडी शेक करता है अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया तो या सुन लिया तो। तो ये वर्ड रिगल वर्ड ये दिखाता है ना, कांपना, शरीर का कांपना। तो सोफ़ी कांप उठी थी, सोफ़ी कांप उठी थी जब जॉफ ने फादर को बता दिया था सोफ़ी और डैने कैसे के मुलाकात के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड सोफ़ी रिगल, Why did Sophie रिगल, सोफ़ी क्यों कापी थी। बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। रिगल वर्ड सबसे ज़रूरी है याद रखना, इसका मीनिंग और कहानी में ये कहाँ आया था ये पता होना चाहिए, तब आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चन पूछा कि सोफ़ी क्यों कांप जाती है जब उसका भाई जॉफ फादर को बता देता है डैनी कैसे और सोफ़ी के मुलाकात के बारे में, जो बात अभी ही सोफ़ी ने अभी अभी जॉफ को बताया था, झूठी बात। सोफ़ी क्यों कांपती है। सोफ़ी न्यू हर फादर वेल, सोफ़ी अपने फादर को अच्छे से जानती थी। अच्छे से जानने का मतलब है कि उसको अपने फादर का स्वभाव पता था, किस उसके फादर किस नेचर के हैं। लिखा है सोफ़ी न्यू हर फादर
वेल, वो अपने फादर के स्वभाव को अच्छे से जानती थी एंड ऑल्सो न्यू दैट ही वुड नॉट बिलीव इट. और वो ये भी जानती थी कि जब जॉफ फादर को ये बात बताया है तो फादर इसकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे. पहला लाइन में बताया है कि सोफ़ी अपने फादर के नेचर से अच्छे तरह से वाकिफ थी, शी न्यू हर फादर वेरी वेल. उसके बाद वो जानती थी कि जब जॉफ बताएगा दैट शी हैड मेट डैनी कैसे, तो फादर वुड नॉट बिलीव इट. वो ऑलरेडी जानती थी कि फादर यकीन नहीं करेंगे. शी न्यू ही वुड गेट एंग्री. और वो ये भी जानती थी कि फादर क्या करेंगे, फादर गुस्सा करेंगे ये बात सुन करके. सोफी जानती थी ही वुड गेट एंग्री, बट मोर इम्पॉर्टेंटली शी ऑल्सो न्यू दैट शी वॉज फैंटसाइजिंग अबाउट हर मीटिंग, देर वॉज नो ट्रूथ इन इट. सोफी के रिगल्ड करने का रीज़न जो है वो ये बताया गया है कीवर्ड्स में कि पहला तो सोफ़ी अपने फादर को अच्छे से जानती थी, फादर के नेचर को. दूसरा की पॉइंट है कि सोफ़ी जानती थी कि जब जॉफ उनको बताया है जो, वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद सोफ़ी ये भी जानती थी कि उसके फादर इस बात पर उसको डांटेंगे. He would get angry, मतलब कि he would scold her, उसको डांटेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, डांटेंगे उसको. और यही सोच करके कि फादर angry होंगे और फादर बिलीव नहीं करेंगे और फादर के द्वारा डांट भी सुनना पड़ेगा, ये सब बात सोच करके सोफ़ी जो है वो एक क्षण के लिए कांप उठती है, रिगल्ड करती है. और एक रीज़न और जोड़ा गया इसमें, एक रीज़न तो ये भी है कि सोफ़ी इसलिए कांप उठती है क्योंकि जो बात उसने बताया है अपना मीटिंग के बारे में, वो तो उसका फैंटेसी है. मतलब वो रियल बात तो है नहीं, देर वॉज नो ट्रूथ इन इट, उस बात में कोई सच्चाई है नहीं. और झूठी बात वो बताई है जॉफ को, और जॉफ जो है वो बात बता देता है फादर को. तो सोफ़ी जहाँ बैठी रहती है टेबल पे, वो कांप उठती है एक सेकंड के लिए. क्वेश्चन पूछा क्यों कांपी, सोफ़ी का आंसर में सोफ़ी को ये पता था कि स्वभाव कैसा है, कि शी वेरी वेल नो हर न्यू हर फादर वेरी वेल. वो जानती थी कि उसके फादर बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे, वो जानती थी कि फादर गुस्सा करेंगे इस बात पर, उसको डांटेंगे. यही सोच करके वो कांप गई एक सेकंड के लिए, रिगल कर गई जब जॉफ ने फादर को बता दिया सोफ़ी के सामने सोफ़ी का सीक्रेट. एक लाइन जो अलग से जोड़ा गया है, एक पॉइंट लास्ट वाला, कि वो ये भी तो जानती थी ना सच्चाई क्या है, व्हाट द ट्रूथ इज़. सोफ़ी तो जानती थी कि वो झूठा कहानी फैंटेसी बना करके वो सुनाई है भाई को, और उसको अपने फादर के डांटने से और उनके गुस्सा होने से उसको डर था, गुस्सा होने का, फादर के डांट सुनने का. ये की वर्ड है कि उसके फादर का बिलीव नहीं करना, फादर का गुस्सा करना, फादर का सोफ़ी को डांटना, इन सब रीजंस के वजह से सोफ़ी ये बात सुन करके कांप उठती है जब जॉफ बता देता है फादर को. ये
जो रिगल है ये यहाँ सूट कर रहा है, रिगल आउट ऑफ फियर, रिगलिंग बिकॉज ऑफ फियर, डर से कांपना। अनएक्सपेक्टेड भी सूट कर रहा है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था सोफ़ी के लिए कि भाई जो है वो उसका बताया गया कहानी डैड के पास बता देगा। ये अनएक्सपेक्टेड और फियर के वजह से वो रिगल करती है। फादर जो हैं वो बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने फादर को अच्छे से जानती थी, फादर उसको डांटेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे, फादर गुस्सा करेंगे, इसीलिए वो रिगल कर जाती है। और एक और कारण ये है लास्ट में जो बताया गया कि सोफ़ी अपने तो जानती थी ना व्हाट द ट्रुथ इज़, सोफ़ी तो जानती थी कि वो फैंटसाइजिंग करके डैनी कैसे और अपने वाला मुलाकात बताई है एंड वो सच नहीं है, तो इसलिए सोफ़ी जो है वो डर से कांप जाती है जब जॉफ फादर को ये बात बता देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है और बहुत तरीके से पूछ सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि जॉफ जब फादर को सोफ़ी का सीक्रेट रिवील कर देता है फादर के सामने, तो सोफ़ी पर क्या रिएक्शन होता है, हाउ डिड शी रिएक्ट, क्या रिएक्शन होता है उसका, क्वेश्चन ये पूछ देगा। तो आप रिएक्शन को एक वर्ड में यहाँ बताइएगा कि वो रिगल कर जाती है, वो डर से कांप उठती है, और फिर यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट आंसर में जो की वर्ड्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि सोफ़ी क्यों कांपती है, डर से कांप जाती है, फादर के गुस्से का डर है, फादर के डांट सुनने का डर है, और क्योंकि वो झूठा कहानी बताई थी, इसीलिए ये सारे डर उसको लग रहे हैं, इसीलिए वो डर से कांप उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या जॉफ को, डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी कैसे। ये पूछा जा रहा है कि जब डैनी कैसे और अपने मुलाकात के बारे में सोफ़ी ने सबसे पहले तो जॉफ को बताया था, और फिर रात में जा करके स्पेशली और एक्सप्लेन किया था कहानी में, कन्वर्सेशन भी बताया था कि क्या क्या बातें हुई, क्या उसने कहा, क्या मैंने कहा, ये भी सब जाकर के सुनाई थी उसको, अपने भाई जॉफ को। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइनली क्या जॉफ को सोफ़ी के इस बात पर यकीन हुआ कि सोफ़ी सचमुच में डैनी कैसे से मिली है। तो जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो लोग आसानी से जवाब इसका समझ सकते हैं कि जॉफ वॉज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सोफ़ी हैड सेड, सोफ़ी जो बोली थी डैनी कैसे के बारे में, अपने मुलाकात के बारे में, जॉफ जो था वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक होता है ना विश्वास नहीं करना, उससे भी एक लेवल ऊपर चल जाओ, जिसको हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं रत्ती भर भी विश्वास नहीं होना। मतलब कि जॉफ को जितना भी चीज़ वो बता दी, कन्विंस करने का कोशिश की, लेकिन जॉफ बिल्कुल बिलीव नहीं किया था सोफ़ी की इस कहानी पर। आंसर में लिखा है जॉफ एक्सप्रेस्ड डिसबिलीफ, मतलब नहीं बिलीव किया, व्हेन सोफ़ी टोल्ड हिम दैट शी हैड मेट डैनी कैसे। ठीक है, जो जॉफ था उसका एक
लाइन में ही आंसर मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन का कि जॉफ जो है वो बिलीव नहीं करता है सोफी के इस बात से कि वो डैनी कैसे से मिली थी। लेकिन अगर क्वेश्चन दो नंबर के लिए या तीन नंबर के लिए पूछा है तो थोड़ा और क्वेश्चन आंसर को अपना इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन में ये बता दिए कि डिसबिलीफ एक्सप्रेस्ड हिज डिसबिलीफ, ही डिड नॉट बिलीव एट ऑल, ही जस्ट लुक्ड अराउंड एब्रप्टली एंड आस्क्ड हर कैजुअली वेयर शी हैड मेट। अब जब ये बता रहा है कि वो सोफी के तरफ देखा था मुड़ करके एब्रप्टली, ठीक है, और एब्रप्टली यहाँ दिखाता है कि बात यकीन करने लायक नहीं थी, इसीलिए एब्रप्टली मूवमेंट हुआ था उसका। ऐसा मूव एब्रप्ट हम लोग मूवमेंट तभी करते हैं जब कोई ऐसी बात हो जाए जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय बातों पर। तो डैनी कैसे जो है वो एब्रप्टली जो है वो घूमता है अपनी सिस्टर की तरफ और पूछता है उससे, कैजुअली पूछता है कहाँ मिली थी, वेयर शी हैड मेट हिम। जब उसको सोफ़ी बताती है शी हैड मेट हिम इन द आर्केड, आर्केड के पास वो मिली थी, ही सेड इट वॉज नॉट ट्रू। सोफ़ी का पूरा स्टोरी सुनने के बाद कि कहाँ मिली थी ना, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें हुई, ये भी स्टोरी सुनने के बाद जॉफ कन्विंस बिल्कुल नहीं होता है और वो बोलता है दैट इट इज़ नॉट ट्रू, कि तुम जो बोल रही हो वो सच नहीं है, और रिपीट करता है आई डोंट बिलीव इट, कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। ही वेंट ऑन टू आस्क हर व्हाट ही लुक्ड लाइक। वो उससे सोफी से ये भी पूछा था सवाल कि अच्छा ये बताओ डैनी कैसे दिखता कैसा है, ये पूछा था ना। तो वो लिखा है ही वेंट ऑन टू आस्क हर व्हाट ही लुक्ड लाइक एंड डिड नॉट सीम टू बी कन्विंस्ड बाय हर आंसर। और सोफी जैसे सोफी से वो पूछता है डैनी कैसे दिखता कैसा है, तो उसका जो जवाब देती है सोफी, उस जवाब को सुन करके भी ही डिड नॉट सीम टू बी कन्विंस्ड, मतलब कि वो बिलीव नहीं करता है सोफी की डैनी कैसे वाले मुलाकात की बात को किसी भी तरीके से। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर के थ्रू जो लोग गए होंगे वो लोग, एक सेंटेंस था जब सोफ़ी रात के समय जा करके जॉफ को पूरा कन्विंस करती है कि प्लीज़ जॉफ किसी को मत बताना ये बात, डैड वुड मर्डर मी, फिर वो बताती है कि मैंने बात किया था पहले, और ये सब पूरा कहानी बताती है। उसके बाद लास्ट में पूछती है कि जॉफ क्या तुमको अभी भी भरोसा नहीं है मेरे कहानी पर। तो जॉफ उसका जो एक आंसर देता है वो लाइन भी सबसे परफेक्टली इस बात का जवाब दे देता है कि जॉफ यकीन करता था या नहीं। वो जो आंसर था जॉफ का, अपना जैकेट उठाता है, जैकेट पहनता है और वहाँ से निकलते हुए आंसर देता है, और आंसर में ये बोलता है कि इट इज़ द मोस्ट अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। ये उसका कोट था, मोस्ट अनलाइकलीस्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड। इसका मतलब निकलता है कि जॉफ जाते जाते ये बोला था कि तुम्हारा जो डैनी कैसे से मुलाकात के बारे में जो स्टोरी है ना, वो उन सारे कहानियों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मतलब ये सब इम्पॉसिबल में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो ये लाइन इस बात की ओर हिंट करता है कि
जॉफ जो है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता उसकी बातों पर, बोलता भी है आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव इट, और उससे पूछता है कि कैसा दिखता है, तो जो आंसर देती है उससे भी जॉफ कन्विंस नहीं होता है। और ये भी बात था एक कि जॉफ अपनी सिस्टर के आउटस्पोकन और डे ड्रीमर होने के बारे में भी तो जानता ही था, ही ऑल्सो वेल नोन हर सिस्टर, हिज सिस्टर सोफ़ी, सोफ़ी को जॉफ भी तो अच्छे से जानता था उसका स्वभाव, इसका तो स्वभाव है बड़ी बड़ी बातें फेंकना, झूठी कहानियां बना के लोगों को सुनाना। तो एक ये भी कारण है कि जॉफ को बिल्कुल विश्वास नहीं होता सोफ़ी की बात पर। और ये लाइन अगर आप कोट कर पाए आंसर में तो अच्छा रहेगा, वो लाइन जो जॉफ ने बोला है रूम से बाहर जाते वक्त कि इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ये कोट कर करोगे इससे पता चल जाता है कि जॉफ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था सोफ़ी के कहानी पर, डैनी कैसे वाले कहानी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। अभी भाई के बारे में पूछा गया पहले, तो बता दिया गया आंसर डिसबिलीव। अब फादर के बारे में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या फादर को यकीन था सोफ़ी के स्टोरी पर। तो जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे उनके मन में तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा यस या नो के रूप में, और वो आंसर सही होगा अगर नो आएगा कि सोफ़ी के फादर, सोफ़ी का भाई जॉफ जब विश्वास नहीं कर रहा है, सोफ़ी के फादर का विश्वास करने का तो बहुत दूर का बात है, तो सोचा ही नहीं जा सकता है। तो नो आंसर तो सबसे पहले आ जाएगा जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे कि सोफ़ी के फादर जो हैं वो सोफ़ी के स्टोरी पर यकीन नहीं करते। लिखा कैसे जाएगा इसको, सोफ़ीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। देखो फर्स्ट लाइन में ही आंसर दे दिया क्वेश्चन के अनुसार, सोफ़ी के फादर सोफ़ी के कहानी पर यकीन नहीं करते। इवन व्हेन जॉफ डिक्लेयर्स दैट सोफ़ी हैड मेट डैनी कैसे, जॉफ भी जब उनको ये बताता है कि सोफ़ी सच में ऐसा बोल रही थी कि वो डैनी कैसे से मिली है, तब भी उसके फादर को यकीन नहीं होता है। और वहाँ उसके फादर का चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसडेन, और इसका मतलब हम बताए थे डिसडेन का मतलब है एंगर वाला एक्सप्रेशन, एंग्री लुक। तो ये फादर को जब जॉफ बताया था तो फादर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, ये की वर्ड है, इससे साबित हो जाता है कि फादर बिल्कुल बिलीव नहीं किए थे उसकी बात पर, एंड हिज एक्सप्रेशन वॉज ऑफ डिसडेन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो टर्न हो गए और वापस अपना फुटबॉल वो आप टीवी देखने लगे, और बाप बेटे में फिर फुटबॉल और फुटबॉलर्स को लेकर के कुछ बात होने लगा, मतलब उन्होंने बात को घुमा दिया। यहाँ लिखा हुआ है ही टर्न्ड द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन ऑन समवन हु हैड नोन टॉम फिनी अनदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, मतलब कि बात को घुमा दिया, ध्यान नहीं दिया, सीरियसली नहीं लिए उसके फादर। ये भी नहीं यकीन करने का एक एग्जाम्पल है, एक प्रूफ है। पहले तो लिखे कि फादर डज नॉट बिलीव इन द स्टोरी, ठीक है, जब जॉफ बोलता है तो भी फादर बिलीव नहीं करते हैं, और उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसडेन। ठीक है, और फिर वो एक बार सिर्फ गुस्सा से देखते हैं सोफ़ी को,
वापस वो बात घुमा देते हैं, टॉपिक कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर देते हैं, और कन्वर्सेशन में वहाँ पर जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे वो लोग याद कर सकते हैं कि टॉम फिनी नाम के एक और महान प्लेयर के बारे में जो पहले हुआ करता था, फुटबॉल का लीजेंड माना जाता था टॉम फिनी, उसको उसके बारे में एक कन्वर्सेशन छिड़ गई थी फादर में और जॉफ में। तो फादर ने यकीन नहीं किया, सीरियसली भी नहीं लिया उसको। ही ऑल्सो स्कोल्ड सोफी एंड वॉर्न्स हर नॉट टू हैव वाइल्ड ड्रीम्स। जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कशन में बीच में सोफी भी टपकी थी, टोकी थी और बोली थी कि डैनी कैसे इज गोइंग टू बाय अ शॉप, कि डैनी कैसे एक दुकान खरीदने वाला है। और तब उसके फादर ने अपना चेयर टर्न कर लिया था उसकी तरफ। पहले तो एक बार सिर्फ ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिया था, बिलीव नहीं किया था। उसके बाद जब कन्वर्सेशन को दूसरे एक प्लेयर के बारे में वो बाप बेटे कन्वर्सेशन करने लगे तो सोफी फिर बीच में बोल पड़ती है एक बार कि जॉफ जो है, सॉरी डैनी कैसे जो है वो दुकान खरीदने वाला है। उसके फादर पूछते हैं, चेयर घुमा लेते हैं और उसकी तरफ मुंह कर लेते हैं और पूछते हैं कि तुमको कैसे पता। तो सोफ़ी का आंसर होता है, ये बात मुझे डैनी कैसे ने खुद बताया है, मतलब जब हम मिले थे उससे तो उसने ये बात बताया था। तब उसके फादर का गुस्सा और बढ़ जाता है। तब उसके फादर क्या करते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, मतलब डांटते हैं और उसको चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि इस तरह के वाइल्ड ड्रीम्स मत देखो, इस तरह के वाइल्ड ड्रीम्स मत देखो, ये वार्निंग देते हैं। अदरवाइज, नहीं तो अगर तुम ऐसे ही वाइल्ड ड्रीम्स देखती रही सोफी, शी वुड फाइंड हरसेल्फ इन प्रॉब्लम समडे। तो किसी दिन अपने इस वाइल्ड ड्रीम के वजह से सोफ़ी किसी मुसीबत में पड़ जाएगी, ये चेतावनी उसके फादर उसको देते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि क्या फादर विश्वास करते हैं, तो विश्वास तो करते नहीं, उसकी बात को तो पहले लाइटली लेते हैं, लेकिन जब फिर से वो प्रूव करना चाहती है कि मैं मिली थी, तब फादर टर्न करके और बोलते हैं उसको, पहले तो स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं और फिर उसको चेतावनी देते हैं कि इस तरह के वाइल्ड ड्रीम्स देखना बंद करो, नहीं तो किसी दिन तुम इनके चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। ये वार्निंग देते हैं उसके फादर। ये इसका आंसर था, उसके फादर का क्या ये था। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।